ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू मीन्स वेल का फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट। कहीं पे वेल का फॉर्म देगा, कहीं पे पी अपॉन क्यू लिखेगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1.27 रिकर है तो ठीक है। अब बताओ ये रिकरिंग प्योर रिकरिंग है कि मिक्सड रिकरिंग है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले मैंने वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन दिया था डेसिमल फ्रैक्शंस के, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, वो पहले देखो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अगर नहीं आता है तो फिर लेक्चर देखो। ठीक है, तो 1.27 बार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 1.27 27 27 27 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1.27 बार, मतलब बार वाला चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, तो ये प्योर रिकरिंग फॉर्म, कैसे? डेसिमल के बाद 27 27 27 27 रिपीट हो रहा है। यही अगर होता 1.12 27 27 27 मतलब 27 अगर रिपीट होता, ठीक है, तो ये नॉन मिक्स्ड रिकरिंग होता। रिकरिंग है पर मिक्स्ड रिकरिंग फॉर्म में आता, तो उसका मेथड अलग होता है, जो मैं उस लेक्चर में बता रखा हूँ, फिर से बता रहा। ठीक है, तो 1.27 में कैसे करोगे? तो 1 + 0.27 लिख सकते हैं क्या इसको? यही मेन है ब्रेक पॉइंट, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो 1.0.27 लिख सकते हो, तो 1.27 हो जाएगा। अब 1 को ऐसे रहने दो, 0.27 बार, सॉरी 1 + 0.27 बार लिख सकते हो ना। ठीक है, तो सेम टाइप का यही क्वेश्चन करो ऐसे ही, कि 1 + का 0.27, जो प्रीवियस में मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है, 27 को कैसे ब्रेक करोगे। ठीक है, तो 27 जो डिजिट है अपॉन 99, ठीक है, बस ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इसका और दूसरा एक बहुत एक्सपेंशन मेथड होता है, पर हम लोगों को सिर्फ अभी आंसर से मतलब है, तो शॉर्ट मेथड है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, 1 + 27/99। ठीक है, ये चीज़ आई, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 99 आ जाएगा, +27/99। ठीक है, इसको फिर अगर तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 14/11। ठीक है, ये ऐड करके देख लेना, फिर उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन होगा, फिर 14/11 आंसर आएगा फाइनल। ठीक